चुनाव की इस मंगल बेला में राजनीति में अनर्गल बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। नेता बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, सभी एक दूसरे पर भाषाओं की मर्यादा को तोड़कर वार प्रतिवार कर रहे हैं। खासकर प्रियंका गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी की तुलना शुभनखा से करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने पागल की संज्ञा दी है। इस मामले को लेकर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बीजेपी नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल यूपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान देते हुए प्रियंका गांधी की तुलना शुभनखा से की है। अनिल शर्मा पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को आयोजित हो रही कांग्रेस की जन आकांक्षा महारैली को लेकर गया पहुंचे। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मिनिमम इनकम गारंटी की घोषणा के बाद बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं और उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद कांग्रेस पार्टी पटना के गांधी मैदान में अपने दम पर महारैली कर रही है, जिसमें जुटने वाली भीड़ पिछले सभी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अजय भारत, डेस्क की रिपोर्ट।